الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا نَبِيِّنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا نَبِيِّنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البراري والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق معزز سامعین کرام پوری محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں معزز سامعین کرام ہمارا جو عنوان چل رہا ہے مصیبت اور اس کے اسباب اور اس کے وجوہات یہ بات آپ حضرات کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی یہ دنیا ہے اس دنیا میں ہم لوگوں کو عمل کر کے اپنی آخرت بنانا ہے عمل کا مطلب ہمارے ذہنوں میں نماز روزہ زکوٰۃ اور تلاوت ہے
लेकिन हज़रत उलमाए किराम ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि मुसीबतों पर सब्र करना भी सबसे बड़ा अमल है। और इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला राहतों को भी रखे हैं और मुसीबतों को भी रखे हैं। इसके बाद जो दुनिया आएगी जिसमें इंशाअल्लाह ताला हम दाखिल होंगे, उसकी दो किस्में हैं, एक जन्नत और एक दोजख। जन्नत वो जगह है जहां राहत ही राहत, मुसीबत का नाम तक नहीं होगा, दूर दूर तक मुसीबत का तसव्वुर नहीं। इसीलिए एक हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में बीमारी नहीं, क्योंकि बीमारी भी एक परेशानियों में से एक परेशानी है। जन्नत में बुढ़ापा नहीं, इसलिए कि बुढ़ापा भी परेशानियों में से एक परेशानी है, मुसीबतों में से एक मुसीबत है। जन्नत वो जगह है जहां राहत ही राहत, तसव्वुर तक नहीं होगा मुसीबत का। यहां तक हदीस में आता है जन्नत का एक दिन जब मुकम्मल होगा तो दूसरा दिन जब आएगा तो दूसरे दिन की नेमतें पहले दिन से ज्यादा होंगी। और एक एक नेमत का मजा और एक एक नेमत की लज्जत सालों साल होगी। एक किताब है नुज़हतुल मजालिस, बड़ी अजीब और गरीब किताब है, मैंने एक जगह पर पढ़ा वहां उस किताब में। अब यहां अगर कोई आदमी कोई फल खाता है, फल फ्रूट, दस बारह सेकंड में या आधे मिनट और एक मिनट में वो फल खा भी लेते हैं और उसकी लज्जत खत्म भी हो जाती है, लेकिन जन्नत में एक एक फल ऐसा होगा कि जिसके खाने के लिए महीने लग जाएंगे। और आप दुनिया में एक फल खरीदे, सेब मिसाल के तौर पर, आम, उसे जब आप खाएंगे उसके जिस हिस्से से खाएंगे उसका एक ही मजा होगा। सेब मिसाल के तौर पर इधर से खाएंगे जो मजा होगा, बाजू तरफ से खाएंगे तो वही मजा होगा। ये एक फल का एक ही मजा होगा, दूसरे फल का दूसरा मुख्तलिफ थोड़ा बहुत फर्क के साथ मजा होगा। लेकिन जन्नत में अल्लाह तबारक व ताला अपनी कुदरत का ऐसा इजहार फरमाएंगे कि एक फल लेकर एक तरफ से आप खाएंगे तो एक मजा होगा और दूसरे तरफ से खाएंगे तो उसी फल का दूसरा मजा होगा। जन्नत राहत की जगह है, पूछ पूछ कर अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में राहतें नेमतें अता फरमाएंगे। कुरान पाक का इशारा है, जन्नत में बंदों की जब ख्वाहिश खत्म हो जाएगी अल्लाह तबारक व ताला की अता वहां से शुरू होगी। क्या होना, सेब लो सेब खाओ, क्या होना आम लो आम खाओ, क्या होना दूध लो दूध पियो, क्या चाहते हो शरबत लो शरबत पियो, क्या चाहते हो मुर्गी
लो मुर्गी खाओ, तीतर खाओ, बटेर खाओ। पहले अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को उनकी चाहत का खिलाएंगे, पिलाएंगे, पहनाएंगे। अब उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला बंदों से पूछेंगे, और कुछ चाहिए, किसी चीज की कमी है आपको? तो बंदे कहेंगे कि रब्बुल इज्जत क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, हर चीज खा ली अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर चीज पी लिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हर अच्छी चीज को पहन लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ अल्लाह, हम जितना सोच कर आए थे उससे करोड़ों अरबों खरबों दर्जे ज्यादा आपने हमको दे दिया। तो तब अल्लाह तबारक व ताला फरमाएंगे कि मेरे बंदो, अब तक तुमको जो मिला वो तुम्हारी चाहत थी, अब इसके बाद जो मिलेगा वो हमारी मर्जी रहेगी। वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दउन। तुम्हारी चाहतें भी तुमको मिलेंगी, हमारे वादे और हमारी अता भी तुमको मिलेगी। यहां एक से दो मर्तबा जाम खा लो, कोरोना का डर होता है, सीताफल खा लो, खांसी का डर होता है, दो मर्तबा पपीता, तीन मर्तबा पपीता कच्चा या पक्का खा लो, पेट में गर्मी शुरू हो जाती है, दूध ज्यादा पी लो मिकदार में, तबीयत बदल जाती है, लिमिट पार करोगे तब भी तबीयत में फर्क आएगा। पेट तुम्हारा है, मादा तुम्हारा है, लेकिन इसके बावजूद लिमिट के अंदर खाओगे तो तबीयत साथ देती है, लिमिट पार करोगे तो तुम्हारा मादा, तुम्हारा पेट तुम्हारा साथ नहीं देगा, तबीयत में फर्क आ जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ जन्नत की दुनिया और जन्नत के माहौल पर, अल्लाह तबारक व ताला ने एक ऐसे मकाम का वादा फरमाया है, वहां तुम्हारे खाने पर कोई पाबंदी नहीं और तुम्हारे लिमिट पार करने पर कोई पाबंदी नहीं। किसी फल, किसी गिजा, किसी दाने के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने वहां पर इंफेक्शन नहीं रखा है। एक चीज ज्यादा से ज्यादा खा लेते हैं दुनिया के अंदर, तबीयत में फर्क आ जाता है, लेकिन जन्नत में आप अल्लाह अकबर कई मरतबा आपने सुना, मैंने कहा मुझे याद भी है, रात को सोते वक्त दूध पिया करो, हुकमा फरमाते हैं, अतिब्बा फरमाते हैं, दूध बहुत अच्छी चीज है, दूध के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी नेमतें रखी हैं। दूध का कसरत से इस्तेमाल करना जहन को, दिल को ताजा करता है, और यहां तक बाज लोगों ने लिखा है कि शरीफ इंसान दूध का कसरत से इस्तेमाल करता है, शरीफों की आदत है दूध इस्तेमाल करना, चाहे वो दूध किसी भी जानवर का क्यों ना हो। बतौर खास आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय का दूध इस्तेमाल करो, इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत सारे फायदे रखे हैं। दूध का इस्तेमाल बहुत अच्छी चीज है, नौजवानों से गुजारिश करता हूं, ये वो चीज खाने और पीने के बजाय दूध का इस्तेमाल करो, इससे नबी का फरमान का हक भी अदा होगा, तवानाई और खुवत और ताकत भी पैदा होगी, जहन भी तरोताजा होगा, दिल भी मजबूत और ताकतवर होगा, और दूध का इस्तेमाल करने वाला आदमी जिसके अंदर हैबत कभी तारी नहीं होती, दूध का इस्तेमाल करने वाला आदमी जिसके अंदर खौफ कभी तारी नहीं होता, वो बहुत जल्द डरता नहीं। और इससे ज्यादा दूध के फायदे के लिए बात क्या हो सकती है कि इंसान की सबसे पहली गिजा दूध है।
एक इंसान की सबसे पहली गिजा दूध है। जब पैदा होता है तो 2 साल तक दूध को अल्लाह तबारक व ताला ने गिजा बना दिया। दुनिया के अंदर 2 ही लिक्विड ऐसे हैं जो पानी का काम भी करते हैं, रोटी का काम भी करते हैं, एक जमजम और दूसरा दूध। ये पीने से प्यास भी मिट जाती है और भूख भी खत्म हो जाती है। भूख की हालत में हुज्जाजे किराम जब अल्लाह तबारक व ताला ने उनको तौफीक अता फरमाई, वो जमजम पिए मक्के मुकर्रमा में। गौर कर कर देखे, हुज्जाज यहां पर बैठे हुए हैं, जमजम पीने के बाद जहां प्यास मिट जाती है वहां भूख भी खत्म हो जाती है, क्योंकि जमजम ही एक ऐसा पानी और एक ऐसी लिक्विड है जिससे प्यास भी खत्म होती है और भूख भी खत्म होती है। जमजम के बाद अगर कोई लिक्विड ऐसी है जिसके इस्तेमाल से प्यास भी खत्म हो जाए और भूख भी खत्म हो जाए तो वो है दूध। दूध के पीने से प्यास भी खत्म हो जाती है और भूख भी खत्म हो जाती है। इसीलिए आपने गौर करके देखा होगा, छोटा सा बच्चा जो दूध पीता है, चाहे वो अपने माँ का दूध पीता हो या बाहर का कोई बॉटल का दूध पीता हो, आपने देखा होगा दूध पीने के 2-3 घंटे के बाद जहां वो पेशाब करता है वहीं वो पाखाना भी करता है। पाखाना तो घट चीज की वजह से बनता है, पेशाब तो पतली और सयाल चीजों के बदले में बनता है। बच्चा पेशाब करता है तो दूध का नतीजा कह सकते हैं, लेकिन पाखाना भी करता है तो ये किसका नतीजा हुआ? ये कोई रोटी का नतीजा होना था, चावल और बिरयानी का नतीजा होना था, लेकिन दूध पी रहा है, पाखाना भी कर रहा है, तो इसका वाज़े मतलब ये है कि दूध जहां पानी का काम करता है वहीं दूध रोटी और चावल का काम भी करता है। दूध का इस्तेमाल करो, दूध का इस्तेमाल करो, इसे जहां तक हो सके इस्तेमाल करो। बाज़ लोग फरमाते, बाज़ लोग कहते हैं हमें दूध पसंद नहीं है। इसीलिए प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीजों का कभी इनकार न करो। एक, दूध अगर कोई अल्लाह का बंदा किसी को देता है तो उसका इनकार न करो। दूसरा, इत्र अगर कोई किसी को देता है तो उसका इनकार न करो। तीसरा, तकिया अगर कोई किसी को देता है तो उसका इनकार न करो। क्योंकि ये 3 चीजें शारहीन ने फरमाया अल्लाह की अजीब नेमतों में से एक नेमत है, एक है दूध और दूसरा है इत्र, तीसरा है तकिया। जो नौजवान दूध न पीते हो या उनको दूध पसंद नहीं है, मैं समझता हूं कि वो शराबत से बहुत दूर है, तबीयत से बहुत दूर है, दूध न पिए। यहां तक कि अतिब्बा ने लिखा है, एक बारीक बात बताता हूं, मौजू की तरफ मुझे आना है, एक मिसाल देकर आगे बढ़ जाता हूं। जो मर्द दूध न पीता हो उसके बच्चे उमूमन कमजोर पैदा होते। एक बात बताऊं मैं आपको? अरे बोलो, बताऊं? शर्माने की जरूरत क्या है? कैसे कैसे बातें सुन लेते हैं, कैसे कैसे बातें पूछ लेते हैं, अब हमें किताब के बातें बोले तो शर्म आ रही है कि आज बोलते हैं कि ना हजरत बोलकर। अभी 3 दिन पहले एक नौजवान फोन करके पूछ रहा है, हजरत इश्क करना जायज क्या? मैं बोला पहले तेरे बाबा से पूछ, बाद में मेरे से पूछ, तेरे बाप का जवाब जो आएगा उससे बेहतर जवाब इंशाल्लाह मेरा आएगा। उलमा इतने मामूली बन गए हैं कि गंदे गंदे सवालात करते हैं, बेहुदा सवालात करते हैं, गलीज सवालात करते हैं। नौजवानों, मुझे उम्मीद है कि अभी आप इतना नहीं गिरे, लेकिन आप साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत कुछ गिर गए। मुझे उम्मीद है, वारिसी ने अंबिया को उम्मीद और भरोसा है कि हमारा नौजवानों का तबका
जमात अभी इतनी नहीं गिरी, लेकिन हमारे नौजवान ये बात बताना चाहते हैं कि तुम्हारा ख्याल और तुम्हारा तसव्वुर बहुत दूर हो गया, बेकार हो गया, हम बहुत गिर चुके हैं। तौबा तौबा, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैंने एक जगह पर पढ़ा, एक मौलाना से एक साहब सवाल कर रहे हैं, एक मसला पूछना हजरत। क्या मसला भाई? हजरत, गैर औरत को हाथ लगाने से वजू टूटता क्या? मसला, गैर औरत को हाथ लगाने से वजू टूटता क्या? वो मौली साहब भी शायद मेरे तरह थे या मैं उनकी तरह था, उन्होंने बोले लगा को देख, वजू बाद में टूटता, हड्डियां पहले टूटेंगे। किसकी इजोरू को तू कहीं को हाथ लगाता? किसकी की अम्मा को तू क्यों हाथ लगाकर यह मालूम करना चाहता है कि वजू टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये पूछ के भाई चांस धक्का लग गया, बस में चढ़े, उसका जिस्म हमारा जिस्म कपड़े के साथ बहालत मजबूरी मस हो गया, लग गया, इस सूरत में क्या हुक्म है ये पूछो, हाथ लगाने से क्या होगा? तो जवाब देने वाला मौलवी भी बहुत अच्छा जवाब दिया, लगा कर तो देख, पहले हिट्टियां टूटेंगी, बाद में वजू टूटेगा। एक बात बताता हूं, सुनो, शादी के बाद दूध पर बात आ गई तो अर्ज कर रहा हूं जन्नत और जहन्नम और उनकी जिंदगी पर बोल कर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। शादी के बाद दुल्हा को कसरत से दूध पेश किया जाता है। हम लोग असल तमिलनाडु के हैं, कर्नाटक को अपना वतन बना लिए हैं, हमारी पैदाइश कर्नाटक ही की है, लेकिन तमिलनाडु से जाना आना, ताल्लुकात, खुशी और गम में शिरकत, माहौल और मिजाज और आदत से वाकिफियत, एक एक स्टेट की एक एक आदत होती है जो उस स्टेट की पहचान होती है। तमिलनाडु के अंदर एक मिजाज है कि नया नौशा किसी के घर भी गए, चाहे वो ससुराल में से किसी के घर गए या अपने माँ बाप के रिश्तेदारों में से, शादी के दूसरे या तीसरे या चौथे या आठ दिन या पंद्रह दिन या बीस दिन के बाद भी सही किसी के घर जाए, उसके साथ उसके दोस्त अहबाब हो, तो दोस्त अहबाब को तो चाय दी जाती है लेकिन दुल्हा को दूध पेश किया जाता है, दुल्हा को दूध पेश किया जाता है। क्यों? पढ़ने के बाद पता चला कि जिंदगी का आगाज हुआ है, नस्ल की इब्तिदा होगी, इस मोहब्बत में औलाद की उम्मीद है, दूध इसके जिस्म में जितना जाएगा औलाद सलामत उतनी पैदा होगी। दूध बहुत बेहतरीन चीज है, दूध का इस्तेमाल जहां तक हो सके करो। नौजवानों, तुम्हारे अंदर रूहानी, ईमानी व जिस्मानी ताकत की बहुत सख्त जरूरत है। फिरौन बनकर हमारे सामने आ गया, नमरूद बनकर हमारे सामने आ गया, शद्दाद बनकर हमारे सामने आ गया, अबू जहल बनकर हमारे सामने आ गया, अबू लहब बनकर हमारे सामने आ गया, उतबा व शैबा बनकर हमारे सामने आ गया, और दुश्मन पूरी तैयारी के साथ हमारे सामने है, और हमको चाहिए कि हम अपने जमाने के इब्राहिम बने, हम अपने जमाने के मूसा बने, हम अपने जमाने के उमर बने, हम अपने जमाने के उस्मान बने, हम अपने जमाने के हसन और हुसैन बने, हम अपने जमाने के मोहम्मद बिन कासिम बने, हम अपने जमाने के सलाहुद्दीन अय्यूबी बने, हम अपने जमाने के टीपू सुल्तान बने, हम अपने जमाने के रशीद अहमद गंगोही बने, हम अपने जमाने के कासिम नानोतवी बने, हम अपने जमाने के हाफिज जामिन शहीद बने, हम अपने जमाने के अहमद लाहौरी बने, हम अपने जमाने के उबैदुल्ला सिंधी
बने, हम अपने जमाने के हजरत महमूद हसन गंगोही बने, हम अपने जमाने के महमूदुल हसन बने और हम अपने जमाने के खारी तैयब बने। आज बनने की तुम्हें सख्त जरूरत है। कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा तुम्हारे सीने की जमाने को सख्त जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे नारों की जमाने को सख्त जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे चिंगाड़ की जमाने को सख्त जरूरत पड़ेगी। आए नौजवानों, मैं तुम्हें ये बशारत देता हूं, दुनिया की इन तमाम आवाजों को कुत्तों की भौंक समझो, कुत्ते लाख भौंक ले लेकिन ये एक शेर के चिंगाड़ के सामने कभी खड़ते नहीं, एक शेर के चिंगाड़ के सामने कभी खड़ती नहीं। आज अपनी ताकत को बनाने की तुमको सख्त जरूरत है। वक्त आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह तुमसे काम लेंगे। वक्त आएगा इंशाल्लाह, मुल्क तुमसे काम लेगा। वक्त आएगा अदल और इंसाफ तुमसे काम लेगा। इसलिए हर एतबार से आप दस्तूर के अंदर, कानून के अंदर, शरीयत के अंदर बनकर तैयार रहो, वरना हालात बहुत गंभीर हैं और इतने खतरनाक हैं। हमारा और आपका ईमान का, आमाल का, अखलाक का, किरदार का, तमीज और तहजीब का यह हाल रहा नौजवानों, तो फिर वो वक्त दूर नहीं, हमारे सामने हमारी इज्जतें लुटती रहेंगी। हाईवे के चेक पोस्ट के पास तालियां मारकर भीख मांगने वालों से बदतर हालत हमारे इस वक्त के नौजवानों की हो सकती है। इस बात को अपने जहन में रखें, अपने दिल दिमाग में उतार कर रखें, वो वक्त दूर नहीं अगर हम नहीं बनेंगे। तुम्हें किस बात का शौक होना था, आज तुम्हारे अंदर किस बात का शौक है, मुहासबा करो। तुम्हारा एक दौर में शौक नमाज, तुम्हारा शौक एक दौर में तिलावत, तुम्हारा शौक एक दौर में तलवार, तुम्हारा शौक एक दौर में खिदमत, तुम्हारा शौक एक दौर में इबादत, तुम्हारा शौक एक दौर में हिफाजत। कभी तुम एक दौर में क्या क्या काम करते थे और आज तुम्हारा शौक क्या बना नौजवानों? किसी नौजवान का शौक औरत बन गया, किसी नौजवान का शौक शराब बन गया, किसी नौजवान का शौक बेकार की कुर्सियां बन गई, किसी नौजवान का शौक दिलेर, किसी नौजवान का शौक जुल्म बन गया, किसी नौजवान का शौक गांजा बन गया, किसी नौजवान का शौक बेहयाई बन गया। यहां तक के आज जितना मुसलमान नौजवान फालतू कामों में मुब्तला है, रब्बे काबा की कसम किसी दौर में नौजवान उतने फालतू कामों में मुब्तला नहीं था। सही शौक रखो, इसमें कोई बुरा नहीं। उस शौक का अगर तुम गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर मैं समझूंगा कि मर्द बनकर भी ना मर्द बन जाओगे। क्रिकेट का शौक आपको क्या, इस आजिश को भी क्रिकेट का शौक है। दुनिया के अंदर कोई मौलवी और मुफ्ती जो मुझ पर फतवा लगाए कि मुजम्मिल के अंदर क्रिकेट का शौक है, इसका बयान सुनना जायज नहीं। मुजम्मिल के अंदर क्रिकेट का शौक है, इसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं। कोई मौलवी और सूफी ये बयान कर सकता है कि मुजम्मिल के अंदर क्रिकेट का शौक है, इसकी बातों पे अमल करना जायज नहीं। भाई ये तो कि खेल है, इस्लाम खेल की भी इजाजत देता है, इस्लाम सिर्फ नमाज की बात इजाजत नहीं देता, रोजे का हुक्म नहीं देता, बल्कि पैगंबर दो आलम रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को खेल की तरगीब भी देते थे। पैगंबर के जमाने में दौड़ना एक बेहतरीन खेल था, पैगंबर के जमाने में कुश्ती एक बेहतरीन खेल था, पैगंबर के जमाने में तीर और निशानाबाजी को सीखना बेहतरीन दौर था।
تھا ان تمام کی فضیلتیں آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گی۔ آقا نے فرمایا جو نشانہ بازی سیکھتا ہے اور اس کے بعد بھول جاتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ میرا غلام نہیں ہے۔ آپ کرکٹ کھیلو، فٹ بال کھیلو، والی بال کھیلو، ٹینس کھیلو، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، یہ شوق جائز میں سے ہے۔ فتاوے اٹھا کر دیکھو آپ، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اس شوق کو آپ غلط استعمال کریں گے۔ آپ کا شوق جو جائز تھا، آپ کے استعمال کی وجہ سے وہ شوق ناجائز اور حرام بن جائے گا۔ کچھ لوگ دیکھنے والے ہوتے، کچھ لوگ کھیلنے والے ہوتے۔ پیغمبر کے زمانے میں عیدین کے موقع پر، کیونکہ عید کا جب وقت آتا خوشی کا وقت ہوتا، خوشی میں عبادت سے فارغ ہونے کے بعد جائز ماحول میں آپ کو خوشی کے اظہار کرنے کی اجازت۔ صحابہ عیدین کے موقع پر کبھی کبھار کشتیاں کھیلتے، کشتی نہیں معلوم، کشتی آج نہیں تھے کشتی، وہ اب تو WWF ہے، کتے کی طرح لڑ کر مرو فیلڈ میں، کوئی تمیز نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی اصول نہیں، جیسے ملے جہاں ملے جہاں چاہے مار دو، اور دنیا اسے اسپورٹ کا نام دیتا ہے۔ یہ تو قتل گاہ ہے، مرڈر گاہ ہے، مارنے اور مرنے کو اگر دنیا کھیل کہتی ہے تو پھر ماحول میں سوائے قتل اور غارت گری کے اور کوئی چیز نہیں پھیلے گی۔ میں نے بھی کبھی ایک مرتبہ دیکھا، میرے اوپر فتوے مت لگاؤ، تمہیں کی دیکھے، کرسیاں اٹھا رہی، مار ڈال رہی، سر پھوڑ ڈال رہی، کیا کہتا کھیل گھگواں، کھیل کیا یہ، پکڑ پکڑ کو صورت میں مار رہا، خون کان سے نکل رہا، منہ سے نکل رہا، دانت سے نکل رہا، جان پر حملہ کرنے والا بھی کبھی جیتتا ہے، مرنے والا کبھی ہارتا ہے، یہ کیا کھیل ہے؟ آج تو کھیل کی دنیا بھی بدل گئی، آج تو کھیل کی دنیا بھی بدل گئی، کھیل کے اصول بدل گئے۔ کھیل ایک شوق، نبی کے زمانے میں کشتیاں بھی ہوتی تھی، پہلوان اپنی طاقت آزماتے، اور پیغمبر نے بھی معجزے کے طور پر ایک مرتبہ کشتی لڑی ہے طاقت نبوت دکھانے کے لیے، کیونکہ عرب، اب جو عرب ہے سعودی عرب اتنا نہیں تھا، پہلے دور میں، نبی کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جہاں جہاں عربی زبان بولی جاتی تھی وہ تمام ممالک عرب میں داخل، سعودی عرب عرب میں داخل، بحرین عرب میں داخل، خطر عرب میں داخل، دبئی عرب میں داخل، ایران عرب میں داخل، عراق عرب میں داخل، مصر عرب میں داخل، کیونکہ یہ تمام ممالک وہ ہیں جہاں عربی بولی جاتی ہے۔ اب جیسے ہمارا ملک ہندوستان اسٹیٹ لیول سے الگ الگ ہو گیا، ویسے وہ عرب بھی ملکی اعتبار سے الگ الگ ہو گئے۔ عربی زبان جہاں تک بولی جاتی وہ تمام ممالک عرب میں داخل۔ جیسے ایک ایک ملک کا ایک آدمی کوئی نہ کوئی کسی لائن کا بڑا ہوتا ہے، ویسے ہی کشتی کے لائن میں عرب کی زمین کا ایک پہلوان تھا جس کا نام رکانا، کیا نام؟ رکانا، یہ صحابی کا نام ہے، صحابی رسول۔ آج اس کی طاقت کا واقعہ سن کر، اس کی طاقت کا چرچا سن کر کوئی اپنے بچے کا نام رکانا رکھتا ہے؟
रुकाना रखता है कोई अपने बच्चे का नाम, किसी का फिल्म हिट हो गया तो उसका नाम रखो, कोई छह बाल में छह छक्के मार दे और छक्का बनकर बैठ जाए उसका नाम रख दो। और ये तो सहाबी रसूल, रुकाना वाकिया बयान करने से पहले मैं रुकाना कहूंगा, वाकिया पूरा बयान करने के बाद हजरत रुकाना कहूंगा, क्योंकि वाकिए बयान करने से पहले वो अभी इस्लाम कबूल नहीं किए। मैं एक मकसद एक बयान करना चाहता हूं, इसलिए यहां जा रहा हूं। हजरत रुकाना अरब के सबसे बड़े पहलवान, अरब के सबसे बड़े पहलवान जिनसे कोई नहीं जीतता था, ताकत भी हमारा सेवा रहा है। याद रखो, कमजोरी ज़ौफ इस्लाम कभी पसंद नहीं करता, कुव्वत इस्लाम की एक पहचान है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाही अलैह बहुत बड़े पहलवान थे। आज जर्रा मौली सामा खाको पीको जरा मोटे ताजे हो गए तो पूरे मोहल्ले की नजर लग जाती, और वो नजर उतरती नहीं जब तक के मौली साहब खबर में उतरते नहीं। देख रहे मौली कैसा है, क्या तेरे बाप का खा रहा है? उलमा भी अच्छे मोटे ताजे रहे। जुनैद बगदादी अलैहिर रहमा कितने बड़े वली, अपने अपने दौर के ये बेमिसाल औलिया में से है जो दुनिया से चले तो गए, जिन पर मौत वाके हो गई, लेकिन उनका अमल उनका नाम आज भी हमसे ज्यादा जिंदा है। जुनैद बगदादी से भी कोई लड़कर जीतता नहीं था कुश्ती में। जब दो आदमी एक फील्ड के होते हैं या दो टीम होते हैं, चाहने वाले कभी इधर चाहने वाले कभी इधर, बगैर बिट के, बिट्टी इतनी बोलती उसे, शर्त के, मेरी पसंद इनू, इनकी पसंद इनू, पसंद अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी, हमारी पसंद पर किसी का इख्तियार नहीं, हमारी पसंद पर किसी का अधिकार नहीं, हमारी पसंद पर किसी की हुकूमत नहीं। लेकिन आज कुछ जालिम हमारी पसंद और हमारी पसंद पर इख्तियार और अधिकार और हुकूमत करना चाहते हैं, दिल इतने तंग हो गए। ये भी हमारा दोस्त, ये भी हमारा दोस्त, ये भी हमारा दोस्त, मैं कभी इसके पास जाऊं, कभी इसके पास जाऊं, कभी इसके पास जाऊं। लेकिन आज हमारा हाल कितना छोटा हो गया। मेरे तो तीन भी दोस्त हैं, समझ में आ रही है बात, मेरे तो तीन भी दोस्त हैं, लेकिन ये तीनों में इनकू इनकू आपस में होता नहीं, यानी तो महबूब और मुजाहिद की बनती नहीं। लेकिन इत्तेफाक से मैं महबूब का भी बनता हूं और मुजाहिद का भी बनता हूं, महबूब का भी दोस्त हूं और मुजाहिद का भी दोस्त हूं। अब महबूब को यह इख्तियार नहीं कि वो मुझ पर यह कानून लगाए कि मैं मुजाहिद से ना मिलू, और मुजाहिद को यह इख्तियार नहीं कि वो मुझ पर यह कानून बनाए कि वो महबूब से ना मिलू। तुम्हें दोनों मिल गए तो अच्छा, नहीं मिले तो छोड़ो, लेकिन मुझ पर कानून ना लगाओ कि मैं महबूब से ना मिलू मुजाहिद से ना मिलू। लेकिन आज दोस्तियां भी कितनी कमीनी बन गई है कि अब महबूब चाहता है कि मुजम्मिल सिर्फ मेरा दोस्त बनकर रहे, अब मुजाहिद से मैं बात ना करूं, अगर मैं मुजाहिद से बात करूं महबूब को गुस्सा आ जाए, महबूब से बात करूं तो मुजाहिद को गुस्सा आ जाए, तो समझो कि इनका जर्फ गिर गया, ये अच्छे नहीं बल्कि इनके अंदर कमीनापन आ गया। आज यही दुनिया के अंदर चल रहा है, ये काउंसलर भी हमारा, ये काउंसलर भी हमारा, इन्हें भी हमारा दोस्त, इन्हें भी हमारा दोस्त,
कभी ये बुलाता है तो जाते हैं, कभी वो बुलाता है तो जाते हैं, लेकिन आज दिल इतने छोटे हो गए। जिस्म बड़ा रखना कमाल नहीं है मेरे दोस्त, दिल बड़ा रखना कमाल है। जैसे हैदराबाद का जिंदा वली हजरत शाह जमालुर रहमान दामद बरकातुम अल्लाह ताला हजरत का साया हमारे सरों पे तादेर खाइम फरमाए, एनआरसी के मौके पर बड़े बड़े उलमाए किराम ने आधे घंटे एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे के बयानात किए, लेकिन हजरत शाह जमालुर रहमान दामद बरकातुम ने सिर्फ 10 मिनट का बयान किया, तमाम की तकरीरों का मगज पेश कर दिया। और हजरत शाह ने मोदी अंकल के पास एक पैगाम भेजा और फरमाया कि 56 इनका सीना रखना कोई कमाल नहीं है, सीने के बड़ा होना कोई कमाल नहीं है, दिल का बड़ा होना कमाल है। इतना बड़ा डब्बा, डब्बा देखते ही धोखा खा जाते, अंदर का तोहफा भी बड़ा रंगा। डब्बा खोल को देखे तो इतनी तित्ती अंगूठी, जवाई का दिल कितना टूटता नहीं। कि हजरत जवाई बोले भाव भूलना नहीं क्या, भाव कभी दिल तोड़ती नहीं, टूटता सो बेचारा जवाई का दिल। इतना बड़ा डब्बा तोहफे में, डब्बा देखते ही जोर से सलाम करता, सलाम अलैकुम। हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तुझे नहीं रे सलाम, डब्बे को सलाम। इतना चित्ता छोटा डब्बा, सलाम अलैकुम। जर्रा बड़ा डब्बा, सलाम अलैकुम। और बड़ा डब्बा, सलाम अलैकुम। कुछ हो जाता अंदर का बड़ा रहेगा। सीना दिल का डब्बा है अंकल, सीना दिल का डब्बा है, बॉक्स ऑफ हार्ट दिल का डब्बा है। डब्बा बड़ा रखे और दिल छोटा रखे, इससे छोटा इंसान कोई नहीं है। दिल बड़ा हो डब्बा छोटा हो, इससे बड़ा इंसान कोई नहीं है। डब्बा बड़ा ना हो, अंदर अंदर का तोहफा बड़ा हो, अंदर की चीज बड़ी हो, यह सबसे बड़ी बात है। गर्ज बात लंबी हो जाएगी, अर्ज कर रहा हूं, जुनेद बगदादी रहमतुल्लाही अलैह भी बहुत बड़े पहलवान, नमाज पढ़ लेते, रोजा रख लेते, कुरान पढ़ लेते, हमेशा कुश्ती की तरफ तवज्जो थी उनकी, एक एक का शौक। जब अपने आमाल से फारिग होते तो अपने शौक की तरफ चले जाते, पहले आमाल बाद में शौक, पहले शौक बाद में अमल, ये अच्छी बात नहीं, पहले अमल बाद में शौक। फजर की नमाज पढ़ लो, इशराक की नमाज तक बैठो, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, दुरूद पढ़ो, इस्तगफार पढ़ो, इशराक की नमाज पढ़ लो, उसके बाद क्या वॉकिंग को निकलो, साथ में कुत्ता लेको। मैं बोला नहीं, सुबह सुबह कुत्ते को ले लोगो फिरते ही, कुत्ता भी भागता इनके साथ, कुत्ता बार बार पलट को देखता है यजमान को, इसे शुगर, मंजे का शुगर, इन्हें भागिया तो शुगर कंट्रोल में आती, मैं कहीं को भागू फिर भी बेचारा भाग रहा है। अपनों के साथ चलने का दौर जब खत्म हुआ तो कुत्तों के साथ फिरने की मुसीबत आ गई। अपनों के साथ तो कदम चलते नहीं ना, दौड़ना तो दूर की बात, अपनों के साथ तो कदम चलते नहीं, जानवरों के हवाले करके रब्बुल इज्जत छोड़ दिया, जा तू इसी के लायक है। पहले अमल,
बाद में शौक। एक बेहतरीन बात बताता हूं नौजवानों, गौर से सुनो, जब तुम अमल करके शौक की तरफ जाओगे वो शौक तुमको विलायत तक पहुंचा देगा। ऐसा नहीं कि हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह नमाज नहीं पढ़ते थे, रोजा नहीं रखते थे, कुरान नहीं पढ़ते थे, जिक्र नहीं करते थे, दुरूद नहीं पढ़ते थे, खाली शौक 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 इसी के पीछे पड़ते थे, ऐसे नहीं। बल्कि हजरत जुनेद बगदादी आमाल से फारिग होने के बाद शौक भी रहता था, और ये गलत बात नहीं। शौक अगर सही है तो अमल के बाद खुद इस्लाम इजाजत देता है कि आप शौक करो। हम लोग भी मदरसे में पढ़ने के दौर में, मदरसे में पढ़कर फारिग होने के बाद जब वक्त मिलता तो खेलने निकल जाते, कभी हमारे असातिज़ा ने हमें डांटा नहीं। हमारे बड़ों की यही नसीहत रही, खाने के वक्त खाओ, पीने के वक्त पियो, पियोगे तो पानी रे बा, खाने के वक्त खाओ पीने के, ये लफ्ज पीना अलग तरफ चले गया, इन्हें बड़ा खाता भाई अच्छा समझते, इन्हें बड़ा पीता भाई बुरा समझते। खाने के वक्त खाओ, पीने के वक्त पियो, सोने के वक्त सो, अमल के वक्त अमल करो, खुदा वक्त में ऐसी बरकत देंगे, कुरान मुकम्मल हो जाएगा, सूरज गुरूब नहीं होगा, ऐसी वक्त में बरकत देंगे। हमें कामों को वक्त बदल कर करते हैं तो अल्लाह ताला वक्त की बरकत को छीन लिए। औरतों तक पैगाम जाता है ना, बयान जाता है, इसलिए कहना चाहता हूं, यानी तो तुम्हें जाकर बताओ, सुबह ही उठो, फजर के बाद कपड़े धोना एक जमाना औरतों का मामूल रहा, उसके बाद जिन पर नमाज नहीं होती वो बच्चे छोटे रहे सोते रहते, कपड़े वगैरह धोकर आकर उनको उठाकर उनको तैयार करते, 8-8:30 बजे तक नाश्ता गिश्ता सब हो जाता, दोपहर को जोहर की नमाज पढ़कर आते। हमारे बड़ों के हमने वाकियात सुने हैं कि जोहर की नमाज घड़ी देखकर डेढ़ बजे नमाज आ जाएंगे 2 बजे, अभी नमाज पढ़कर दादा नाना बाबा मामू आता नहीं, घर में दस्तरखान दाल को रेडी रखते करके औरत डाल गए, दस्तरखान डाल गए डाल गए, बोलते बोलते नहीं बिस्तर को चल जाता, दस्तर पड़ता नहीं, उसे भी मालूम मैं दस्तर डालो बोल कर फौरन पड़ता नहीं, दस्तरखान पड़े तक जरा मैं बिस्तर में पड़कर आ जाऊं, एक छोटी नींद मार ले को भी आ जाता, दस्तर पड़ता नहीं। औकात को बदल कर काम करोगे तो अल्लाह ताला वक्त की बरकत को खत्म कर देते हैं, छीन लेते हैं। अमल के वक्त अमल, अमल के बाद शौक। हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाही अलैह अमल से फारिग होते, शौक था कुश्ती का, और किसी का गेम किसी का खेल किसी को पसंद आ जाता है, वो किसी भी मुल्क का क्यों ना हो, उससे मोहब्बत उस खेल वाले को पैदा हो जाती है। कितने ऑस्ट्रेलिया के लड़के जो क्रिकेट से ताल्लुक रखते हैं हमारे मुल्क के तेंदुलकर से मोहब्बत करते हैं, ये खेल वालों का मिजाज है। कितने हमारे मुल्क के नौजवान हैं जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बैट्समैन से मोहब्बत करते हैं, ये खेल किसी का पसंद आ जाता है तो फिर मुल्क नहीं बल्कि खेल को देखकर मोहब्बत एक मिजाज है। जिन लोगों को खेल से ताल्लुक नहीं होता नहीं, इन्हों मजहब और मुल्क को सामने रखकर लड़ते, सो खेल अच्छा हो, तेंदुलकर का धर्म अलग, विराट का धर्म अलग, मेरा धर्म अलग, खेल अच्छा है देखने में मजा आता है, क्या टेक्निक क्या टाइमिंग क्या शॉट्स। अब कोई मौलवी मुझे मौलाना तुम्हें इमाम साहब तुम्हें खतीब साहब तुम्हें तेंदुलकर को लाइक कर रहे, अहमद मैं तेंदुलकर को धर्म की वजह से लाइक नहीं करता, उसकी बैटिंग की वजह से लाइक करता हूं।
एक लेन का आदमी होता है जो उस लेन को सामने रखकर देखता है कि ये लेन इसके अंदर कितनी है, ये फन इसके अंदर कितना है, तो फिर आदमी फिदा हो जाता है। ये फितरत है, ये मिजाज है, ये तबीयत है। जुनेद बगदादी को उनकी कुश्ती, उनकी महारत, उनके फन को सामने रखकर हर कोई चाहने वाला, जब उनके मुकाबले में कोई लड़ने के लिए आता, मुकाबिल में जो लड़ता उसका कोई तरफदार नहीं होता, पूरा जमाना जुनेद बगदादी का तरफदार होता। एक मर्तबा बादशाह ने देखा जुनेद के मुकाबले में कोई आता ही नहीं है, कोई तो होगा। ऐलान कर दिया जो जुनेद के साथ लड़ेगा, कुश्ती करेगा, जीतेगा, उसे शाही इनाम दिया जाएगा। शाही इनाम। अखाड़ा तय किया गया, गोदा बनाया गया, लोग जमा हो गए, जुनेद भी आ गए। सामने कोई आने के लिए तैयार नहीं। आखिर एक अधेड़ उम्र का आदमी आया जो जवानी पार कर गया लेकिन बुढ़ापे तक बराबर नहीं पहुंचा था। ऐसे आदमी को अधेड़ उम्र कहते हैं। जवानी 40 साल में खत्म। अब उसके बाद की जो जिंदगी होती है वो बुढ़ापे की जिंदगी होती है, लेकिन फौरन बूढ़ा तो बनता नहीं, अभी बुढ़ापे में कदम रखा है, जवानी के असरात उसके अंदर होते हैं। दिखने में भी वो जवान ही लगता है। ऐसे कितने यहां बैठे हुए जिनकी उम्र 40 साल हो गई, उनको कहा जाता है कि बूढ़ा है। नहीं, सही बात बोलकर महबूब मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं। नारों को भी समझते हैं जनाब हम। एक आदमी जो बुढ़ापा पा तो लिया लेकिन पूरा कमजोर नहीं हुआ, दुबला पतला, नहीफ, नातवा, कमजोर, उसने हाथ उठा दिया, मैं जुनेद के साथ लड़ूंगा कुश्ती। क्योंकि एक उसूल है नौजवानों, किसी बड़े आदमी के साथ लड़कर जीतना ही कमाल नहीं, उसके साथ लड़कर हारना भी कमाल है। जमाना क्या कहेगा, उसके साथ टक्कर लिया भी ने। हार जीत अल्लाह के हाथ में है, जरूरी नहीं दुनियावी मसाइल पर हारने से न डरो। जब मसला दीन का आ गया तो जीतना ही एक रुख है, हारना नहीं। जब मसला सियासत का आ गया, जब मसला स्पोर्ट का आ गया, तो फिर जीत भी जिंदगी है, हार भी जिंदगी है। बड़े आदमियों के साथ कितने नौजवान ऐसे हैं जो कभी किसी मौके पर तेंदुलकर की बैटिंग पर बॉलिंग भी किए होंगे, कभी कभी एक मरतबा आउट भी किए होंगे, लेकिन अब तक ना मैं तेंदुलकर की विकेट लिया बा, आज उन्हें नाम मिच नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदारी हो रही थी मिस्र के बाजार में, बड़े बड़े दौलतमंद यूसुफ को खरीदने के लिए बाजार चले गए, जा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न इतना बेमिसाल था, देखने वाला देखता रह जाता, खरीदने के लिए बेताब हो जाता। क्योंकि यूसुफ को अब तक गुलाम समझा जा रहा था, पता नहीं कि ये वो यूसुफ है जो गुलाम नहीं है बल्कि नबी वक्त है। कभी कभार अल्लाह तबारक व तआला किस्मतों को छुपा कर रखते हैं, जब इजहार करते हैं तो सिवाय जमाने को शर्मिंदा होने के और कुछ हासिल नहीं। भाइयों ने बेच दिया ना,
खरीदारी हो रही है, सब जा रहे, मोटे मोटे हीरे सोना चांदी जवाहरात ले लेकर जा रहे हैं। एक बुड्ढी भी एक 6-7 गधे लेकर जा रही है। बूढ़ी को पूछे, ये गलत है, मैं तू की मां यूसुफ को खरीदने जा रहा हूं, क्या पूंजी, ये गधे 6-7, ये सूरत मंडों का सोना ले जा रहे हैं, बोली में कामयाब नहीं हो रहे, 6-7 गधे लेकर गई और तुझे यूसुफ मिल गए। बूढ़ी ने कहा कि प्यारे, असल खरीदना मकसद नहीं, यूसुफ के खरीदारों में नाम आना मकसद है। कौन कौन खरीदने आए थे बोलकर लिस्ट बनाए तो यूसुफ के खरीदार में मेरा भी नाम आया तो बस, मुझे यूसुफ मिलता कि नहीं मिलता, यूसुफ मिलता कि नहीं मिलता कि अपनी जगह पर, लेकिन खरीदारों की फहरिस्त में नाम आया बस काफी है। अब इस बूढ़े ने भी हाथ उठा दिया, मैं लड़ूंगा जुनेद से, मैं लड़ूंगा जुनेद से। बादशाह भी परेशान, जमाना भी परेशान, मजलिस भी परेशान, महफिल भी परेशान, तमाशाई परेशान, दूर दूर तक दोनों का मुकाबला तय ही नहीं होता। ये बूढ़ा हाथ उठा दिया, लेकिन उस जमाने के लोग फौरन एतराज नहीं करते थे, सोचते थे, समझते थे, किसी की आवाज को पढ़ते थे, किसी की खामोशी को पढ़ते थे, क्योंकि हाथ उठाने वाला कोई जवान नहीं था, कोई बूढ़ा था। जब भी बूढ़ा कोई बात करता है तो अंदर कोई तो कोई राज होगा, क्योंकि बूढ़ों के अंदर ताकत ना भी हो तजुर्बा तो जरूर होता है, बूढ़ों के अंदर ताकत ना हो तजुर्बा तो जरूर होता है। इसीलिए नौजवानों, आज जिन बूढ़ों को देखकर तुम मजाक करते हो, जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आ ही जाता है, मैं लिख कर देना पड़ता हूं, जिसके बुढ़ापे से तुम मजाक करते हो उसके मशवरे के बगैर तुम्हारी जिंदगी ये कदम आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए कभी बूढ़ों का दामन अपने हाथ से जाने ना दो, बड़ों का अदब करो, बूढ़ों का अदब करो। किताबों में साफ लिखा हुआ है, सफेद बाल वालों का अदब करो, जिसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सर के बाल सफेद हो गए, वो तुम्हारा बाप हो, तुम्हारा चाचा हो, तुम्हारा मामा हो, मुसलमान हो के हिंदू हो के सिख हो के ईसाई हो, अगर वो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो तो उसका अदब करो। ये इस्लाम है, ये पैगंबर का फरमान है। आज बूढ़ों के देखकर हमारे नौजवान मजाक करते, वो भी बोलते, बुढ़े क्या तू होता च नहीं बुढ़ा, बल्कि क्या कहूं मेरे दोस्तों, सर मार कर कहने पर मजबूर हो जाता हूं, क्या क्या बातें बताऊं मैं आपको, कितने हमारे घरों के अंदर कम जर्फ दामाद और जवया ही जो अपनी बीवी को बीवी के सामने उसके तेरा बुढ़ा बाप है देख बोलते नहीं बोलते, इनके जुबानों पे है ना आशीष डाल ले, अपनी बीवी को सामने कहते तेरा बुढ़ा बाबा, इधर से भी बोलती, औरतें भी बोलते हैं तुम्हारी अम्मा बुढ़ी कमरती की, क्या जुबान अपने मुंह में रखते हो, किसी को बूढ़ा ना कहो। बूढ़ा तो वो है जिससे मोहब्बत खुदा करता है। हदीस में आता है सफेद बाल वाला अगर मर जाता है उसके बालों की वजह से कभी कभी अल्लाह ताला उसे खबर के अजाब से बचा लेती। अगर एक बाल भी सफेद आ गया खुश हो जाओ, नजरे रहमत ज्यादा पड़ गई तुम्हारे ऊपर, खिकर को निकलो। एक लफ्ज बोलूं बुरा नहीं समझना,
इसे बोलते से उखाड़ना। बाल को अपने हाथों से जो खींच कर तोड़ते हैं ना, अरबी लगत में इसी को उखाड़ना कहते हैं। अपने बालों को ना उखाड़ो, सफेद बाल बड़े बड़े गुनाहों से बचाते हैं, बल्कि अल्लाह के अजाब से भी बचा देते हैं। बूढ़ों को देखकर कभी बुरा न समझो, बूढ़ों से आयब न खाओ। हमारी कितनी ही खुशनुमा मंजिल की मजलिस क्यों ना हो, बूढ़ा आ जाता है तो उसे वेलकम कहो। बूढ़ा बाप आ गया, आओ बा आओ बा आओ बा बैठो बा। बूढ़ा जिस मजलिस में आता नहीं, वो मजलिस का रंग ही बदल जाता है। वो कुछ ना कुछ नसीहत जरूर करता है। बूढ़ों के कामों पर, बूढ़ों की बातों पर हिकमत बड़ी होती है। और एक वाकया याद आ गया, सुनो। एक नौजवान है ना, एक इलाके के बादशाह की बेटी से मोहब्बत कर डाला। ये मोहब्बत भी बड़ी अंधी होती नहीं, मंदे मालूम नहीं, तुम ना मालूम, यहां मैं तुम्हारा मोहताज। मोहब्बत भी बड़ी अंधी होती है, किससे करना कहां करना पता नहीं है। दिल भी जाकर लग जाता है, खस्वे खा लेते हैं। हमारे नौजवान दीवाना उठिया मलिदा कुटिया, हर जगह स्टेटस देखते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का इंतखाब जब करते हैं तो स्टेटस की परवाह किए बगैर कर देते हैं। कभी दुकान में खड़े रहे, कोई हूर परी नजर आ गई, दिल दे बैठे उसी के पीछे पड़ गए। अब इरादा करते हैं शादी करना है, कहां ये कहां वो। अब फिर मोहब्बत होने के बाद जुदाई की मौत से ज्यादा बदतर होती है। इसीलिए मेरे शेख खुद भी आलम ने फरमाया, शादी से पहले मोहब्बत न करो, दिल टूट टूट कर चूर हो जाएगा। शादी के बाद मोहब्बत करो, दिल मजबूत हो जाएगा। बादशाह की बेटी से मोहब्बत कर डाले, वो बादशाह की बेटी भी बड़ी अच्छी थी, कहा है बोलकर पूछो तो, लेकिन मोहब्बत का जवाब जरूर दी। उन्हें भी कसम खाई, करी तो तुम्हारे साथ कर तू, सो नहीं तो मर जा तू, मैं छोटे मोटे फैसले भी कर लेता हूं, आते मेरे पास फैसले तो मैं कर लेता हूं। बहुत दिनों पहले की बात, एक फैसला ऐसा आया मोहब्बत का, इधर के माँ बाप भी उधर के माँ बाप भी दोनों पाँव का तो सही में पाँव पकड़े। हजरत रिश्ता होगा है हजरत, पोटी इतना बड़ा काम कर डाली हजरत, क्या आते भी करो हजरत, समझाओ हजरत। तुम्हें बोल को कितने की नौजवाना के चेहरे में दाढ़ियां आ गए। ये बोला क्या इसके चेहरे में भी आना, क्या गाती भी करो हजरत, किधर ती भी करो हजरत। बोलकर बोल रही, बाबा रो रहा है, अम्मा रो रही है, जनिया सो बाप रो रहा है, जनिया सो जनी सो माँ रो रही है। उनके दिलों को तोड़कर जिंदगी बनाने की कोशिश न करो, कभी जिंदगी नहीं बनेगी जब माँ बाप का दिल टूटेगा। ये लिख कर रख लो, माँ बाप का दिल तोड़ कर जिंदगी बनाना चाहोगे तो उसी जिंदगी को जहन्नम और दोजख कहा जाता है। माँ बाप की चाहत न हो दौलत गुर्बत है, माँ बाप की चाहत न हो खूबसूरती बदसूरती है, माँ बाप की चाहत हो। अगर माँ कह दी मेरे भाई की बेटी है जरा सावली है, मेरी चाहत है कि उसके साथ तेरा निकाह हो जाए, तो बेटा ये कह दे कि अम्मा तुम्हारी पसंद मेरी पसंद है। कान खोल कर सुनो मेरे दोस्तों, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, इन बातों की सदाकत को तस्लीम करो कि अगर मां कहती है कि मेरे भाई की बेटी जरा सावली है लेकिन मैं चाहती हूं कि तेरा निकाह उसके साथ हो जाए, बाप कहता है कि मेरे भाई को पेट भर कर बच्चे हैं, एक बेटी जरा सावली काली कलोटी है, फिर भी बेटे शादी कर ले, सूरतों से क्या होने वाला है, सीरतों से होने वाला है। बाप का दिल रखने के लिए जमाने की हसीनों को देखने के बावजूद भी अगर बेटा कहता है कि अब्बा हुजूर मैं
तुम्हारा खून हूँ, तुम्हारी चाहत मेरी चाहत, तुम्हारा फैसला मेरा फैसला, तुम्हारा मशवरा मेरा सरप्पा जान। आप शौक से जवाब दे दीजिए चचा को, इंशाअल्लाह ताला मैं निकाह भी करूँगा और खुशी खुशी जिंदगी भी संभालूंगा। तो निकाह होने के बाद कान खोल कर सुन लो, उस काली बच्ची को अल्लाह ताला गोरी तो नहीं बनाते, लेकिन तुम्हारे निगाहों के अंदर ऐसा पावर अता फरमाते हैं कि बीवी को देखने के बाद जमाना फीका पड़ जाएगा। नहीं मेरी जोरू की नाक कहीं लगा का, अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी के चेहरे में हुस्न नहीं है सिवाय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। असल में हुस्न तो देखने वालों की निगाहों में है, देखने वालों की निगाहें जितनी पाकीज़ा होती है उतने से ज्यादा चेहरे खूबसूरत नजर आते हैं। लैला मालूम बोलो रे बा, गोरी थी खूबसूरत, नहीं काली कलोटी, सारी दुनिया में चर्चे, हमारे अरबी मदरसों की किताबों में लैला मजनू के चर्चे। ऐसी फसाहत और बलागत के लैला मजनू के उन्वान पर अशआर हैं जिसे समझने के लिए आम दिमाग काम नहीं आता। कभी कभार लैला मजनू के इश्क के उन्वान का एक दो शेर समझने के लिए दो दो तीन तीन दिन भी हो जाते। वो इशारे, वो मुशाबहत, वो तस्बी, वो फसाहत, वो बलागत अंदर कहां, जरा समझाओ हजरत, वो खोपड़ियां नहीं है तुम्हारे पास। लिखा है किताब में कि आखिर उसका चर्चा होते 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 बादशाह तक चलेगा, तो ये बादशाह वहां रहते ना, सब हमारे अंकल के सका हो जाते हैं क्या? हमारे अंकल बहुत अच्छे हैं जिनका कोई नहीं है, अगर होता तो फर्क पड़ता था ना भाई। सेब खाने वाले को सेब का शौक रखता, सो सेब खाया इतनी सो आदमी के सामने मोटे मोटे सेबा डाला लो क्या शौक, जिसके पास बीवी होती उसी को बीवी का शौक होता, बीवी इतनी तो शौक का। अब वो बादशाह सोचिया मेरे मुल्क में इतनी खूबसूरत औरत जिसकी मोहब्बत का चर्चा सारी दुनिया में पहुंचा है और वो औरत को मैं नहीं पाया अब तक। ओहो, वजीरा को हुक्म दिया जाओ फौरन पकड़ लगाओ लैला को। लैला के घर को जाकर वजीरा लैला कुछ पूछे, कहते लैला कहाँ है? कि तो वजीरा को भी यकीन नहीं था इन्हें लैला होट नहीं सकती, सवाल ही नहीं। उन्हें बोली मैं चलेला, मजाक करने को बादशाह के वजीरा ही लैला का है, मैं चलेला बहुत होगा मजाक, लैला का है। अरे भाइयों लैला मैं हूं, तू लैला चल, बादशाह बुला रहे। उस जमाने में औरत जब भी बाहर निकलती वो अच्छी हो के बुरी हो लेकिन बापर्दा निकलती, आज तो अच्छे भी बेपर्दा निकल जाते, आजकल तो अच्छे भी बेपर्दा निकल जाते ना। अब लैला पूरे निकाब के साथ बापर्दा होकर दरबार में गई, बादशाह खुश है, देखा तो क्या होगा कि ना, मंजे देख सकूंगा कि नहीं कि ना, बेहोश होगा तो क्या करना, पानी का बॉटल भी रखा है, फंके हलाने वाली कादिमाओं को कहा जरा जोर से हलाओ, लैला के आने की आवाज मेरे दिल को दस्तक दे रही है, बादशाह खुश होगा। अब बादशाह का फरमान बाल्फाज़ बादशाह,
लैला को पेश किया जाए। ये बादशाह वो बोलते सर नहीं, लैला को पेश किया जाए। अब इधर दो वजीर, इधर दो वजीर, वो तीरा तलवारा रख ले को, लैला को सोनिया गांधी को पेश कर सका, पेश कर। खोले लैला हिजाब में। बादशाह एक बात सोचा था, बेहोश होगा तो क्या करना, बोल को वक्त बेहोश होने का आ रहा है, वक्त बेहोश होने का आ रहा है। बादशाह ने कहा जलवा नुमाई हो, यानी चेहरा खोलो। ये प्योर अल्फाज उस जमाने में हमारे मुल्क में भी चलते थे। बाद अब्बा मुला होशियार, मोदी अंकल आते वक्त बोलो उन्हें इधर इधर देखो क्या है। हमारे मुल्क के सल्तनत के अल्फाज, आदाब शाही, बाद अब्बा मुलाजा होशियार, जलवा नुमाई हो। जैसे ही लैला अपने चेहरे से पर्दा उठाई, सच में बेहोश हो गई। जल्दी जल्दी बादशाह को पानी डाले, पानी पिलाए, उठाए, पंखा करे, पूछे आलम पना क्या हुआ, किधर हुआ, बीपी हाई डाउन, शुगर क्या किस्सा। मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा बदसूरत किसी को देखा नहीं। अब बादशाह दूसरा हुक्म देता है, जाओ इससे मोहब्बत करने वाले को पकड़ लगाओ। इन्हें लायक सजा नहीं, इससे मोहब्बत करने वाला लायक सजा है। ऐसी औरत से मोहब्बत करके मेरे मुल्क के नौजवानों को गुमराह कर दिया, मोहब्बत का प्याला पिला दिया। जो भी नौजवान जवानी में कदम रखता है, अपने आप को मजनू बनकर किसी लैला की तलाश करता है, मुल्क की इज्जत और आबरू बर्बाद हो गई है। ऐसे नौजवान मजनू को पकड़ कर लेकर आप नौजवानों मजनू को पकड़ने गए, जो डुप्लीकेट नो मजनू थे, जो डुप्लीकेट मजनू थे, सब मारे डर के भाग गए। ओरिजिनल मजनू अपनी जगह पर, लैला 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 लैला। बुलाए मजनू को, बादशाह बुला रहा है। कौन बादशाह? मोहब्बत चढ़ी है सो। अरे बादशाह है वक्त। कौन बादशाह? आई डोंट नो। लैला लैला। किसी ने कहा कि बादशाह बुला रहा है, बोले तो इन्हें जिंदगी में आता नहीं, इसकी जगह से इसे हिटा नहीं सकते। खाली इतना बोलो बादशाह के दरबार में लैला है, बोलो तुम्हें पीछे इन्हें सामने रखता। लैला के बादशाह के दरबार में लैला है, बोलो तुम्हें पीछे। बिल्कुल कहा। अबे बादशाह के दरबार में लैला है। अरे लैला है, मेरी लैला है। अब भाग रहा है, बादशाह के दरबार में चला गया। बादशाह बोला तू मजरू? हम थे मजरू। जी क्या नाम? मालूम नहीं। कहां का? मालूम नहीं। अब्बा? मालूम नहीं। अम्मी? मालूम नहीं। क्या करता? मालूम नहीं। अरे कुछ तो बोल। लैला क्या बोले? तो भी नहीं बोला तो लैला इतनी मोहब्बत। अरे अहमद कभी तू लैला को देखा है? उसने एक फलसफा पेश किया, मोहब्बत जिससे होती है देखा नहीं जाता। एक निगाह जिस्म की होती है, एक निगाह तसव्वुर की होती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि फसाहत और बलागत के ताबीरात बड़े अजीब होते हैं। हम में से किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है? नहीं देखा है, लेकिन ख्याल में तो समाया है। इसीलिए तो मोहब्बत सबसे ज्यादा उस पैगंबर से करते हैं। एक निगाह तसव्वुर की होती है, एक निगाह तसव्वुर की होती है, और उसका दीदार, उसके दीदार की शर्त मोहब्बत होती है। मोहब्बत
के बगैर उसकी निगाहें खुलती नहीं है। हम में से किसी ने खुदा को देखा नहीं, फिर जा रहे हैं इसलिए कि तसव्वुर में देखा है। हम में से किसी ने मोहम्मद को देखा नहीं, फिर भी मोहब्बत करते इसलिए कि तसव्वुर में देखा है। सहाबा को देखा नहीं, फिर भी चाहते इसलिए है कि तसव्वुर में हमने अबू बकर को देखा है, उमर को देखा है, उस्मान को देखा है, अली को देखा है, अमीर माविया को देखा है रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। इसीलिए बादशाह ने पूछा, मजनू से तूने लैला को देखा है? हाँ देखा है। कैसी है? क्या पूछते हो? हूरे ऐना व बैजा भी मेरी लैला के पीछे रहेंगी। हूरे ऐना व बैजा कौन मालूम? जन्नत की टॉप हूर को बोलते, टॉप हूर को। वहूरुन ईन, बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरे ऐना हूरे बैजा, बहुत खूबसूरत, उन्हें भी मेरी लैला के साथ। सच्ची देखा क्या बा? बादशाह की तो बेहोश होकर है ना, होश में आया तो ताकत कम रहती। का हूरे ऐना व बैजा, देखा क्या? देखा, बार बार मुझसे मना पूछो कैसी है। अब बादशाह के सामने मजनू एक शेर पढ़कर अपनी लैला की तारीफ करता है। क्या करूं तारीफ उसकी, क्या सुनहरी चाल है। याद करो ना कोई है, दूसरे बातें याद करो, ये याद कर लेते। उसके बाद लिख को मैसेज करते, मुर्दा मेरा उठता। क्या करूं तारीफ उसकी, क्या सुनहरी चाल है, आंख किशमिश नाक गाजर क्या टमाटर गाल है। बादशाह बोलिया, खैर तू देखा? देखा एक मर्तबा देखेगा, सौ मर्तबा देखूंगा, खैर दिखाओ। जैसे ही लैला को दिखाया गया तो मजनू और पागल हो गया। वाह 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 वाह, मुशायरे में होता नहीं। अब लैला के चेहरे पे पर्दा डाला गया तो मजनू बेहोश होकर गिर गया। फिर मजनू को पानी छिड़का गया, मजनू से पूछा गया, देखा कैसी है तेरी? अरे क्या खूबसूरत दीवाने, ऐसी काली तो मेरे मुल्क में है नहीं, ये नाक ये होंठ ये गाल ये आंख। तब मजनू ने कहा कि बादशाह सलामत, तुमने मेरी लैला को तुम्हारी निगाहों से देखा तो काली नजर आई, मेरी निगाहों से देखते तो पता चलता कि मेरी लैला कितनी खूबसूरत है। खूबसूरती चेहरों में नहीं होती, देखने वालों के निगाहों में होती है। ये गरीब को एक बादशाह की बेटी से जब मैं बूढ़ों पर बात कर रहा हूं, बूढ़े जब कभी कोई बात करते ना अंदर बड़ा राज होता है। बहुत जल्द वाकिया खत्म कर दूं। एक बूढ़े एक नौजवान एक बादशाह की बेटी से मोहब्बत कर लिया, कसम नहीं। बादशाह सोचा मेरी बेटी भी बदलती नहीं, इन्हें भी बदलता नहीं, खैर रिश्ता करेंगे, ऐसी शर्त लगाएंगे, वो शर्त पूरी नहीं होना रिश्ता नहीं होना। लड़के को बुलाए, क्या बात, तू मोहब्बत करता? हाँ हाँ। शादी करता क्या? हाँ। खैर मेरी बेटी को तुझे शादी करके देने के वास्ते तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। दो शर्त ही, एक शर्त अब, एक शर्त बारात आने के बाद, अच्छी बात है। क्या शर्त? पहली शर्त यह है कि बारात में कोई बूढ़ा न रहे, पूरे जवान रहे। मंजूर मंजूर मंजूर। और एक आजा बोल तू। अब सीधा इन्हें घर को आया, आने के बाद बोलिया, बादशाह तैयार होगा, अल्लाह का फजल। अल्लाह का फजल अलग बोल रहा है, अल्लाह का फजल, बादशाह तैयार होगा, लेकिन एक शर्त रखा। क्या? बुड्ढे नहीं आना कहते। इत्तफाक से ये नौजवान का दादा जिंदा था, दादा पोते के शादी में ना आए, हो सकता? दादा को पोतों के शादी में इतनी ही खुशी मिलती है जितनी खुशी खुद की शादी में होती है। बूढ़े देखे होंगे जब अपने बच्चों के या बच्चों के बच्चों की शादियां होती है, कितना सादा सीधा बन ठन कर क्या खुशी रहती उनको।
खुशी होती। बाबा मान लिया, अम्मा मान ली, नानी मान ली, दादी मान ली, पूरे खानदान के बुड्ढे मान लिए, लेकिन दादा मान्या नहीं, होट नहीं सकता रे। मैं आरू सोच, दादा कई को आप ही, दादा कोरोना है, बाहर निकलो न को कोरोना है दादा, बाहर निकलो न को। मैं आप जादू सभा बुला लेकर मैं आना रे। अब बुड्ढे जो होते हैं ना बड़े जिद्दी होते हैं, वमन नुअम्मिरहु नुनक्किस फिल खल्क, तीन स्टेशन, बचपन जवानी बुढ़ापा, बच्चे और बूढ़ों की जिद, बड़ी सख्त जिद। वो बूढ़े किसी भी लाइन के क्यों ना हो, किसी भी लाइन के क्यों ना हो, जब बूढ़े हो जाते तो जिद आ जाती है, जाना का तो जाना, जा रो रहे सिटी मार्केट बुला लग जा रहा क्या नक्को, नहीं तो छोड़ मैं जाता हूं, चले जाती बड़े मियाँ जाको छोड़े, नहीं तो भी बुला लगाना पड़ता, जाको छोड़ते तो नहीं, हमें भी जिद में नहीं जाना बा, नहीं जा रहा बुला लगो, तुम ना बोल को छोड़ा लगो चली जाता। शाम को कहाँ जी अब्बा, सिटी मार्केट में ही फोन आया तुम्हें आना गए, अब बुलाने जा रहा है बूढ़ा वोड़ा में आना। एक काम करो बा, दादा हमें एक तेज का डब्बा बनाते, वो डब्बे में बैठ जाओ, कौन थे भी पूछे तो ये तेज का डब्बा बोला थी हमने, अच्छा कई साथी भी लेको जा, मंजे शादी देखना तुझे, एक सुराख में सती भी देख ले तू, अच्छी बात है। अब बारात गई, एक भी बुढ़ा नहीं है, दो शर्त बोला था ना जिन्हें थे बगदादी के बूढ़े पर बात आ गई, वाकया बोलकर बात खत्म करूं। बहुत सारे नौजवान बोलते क्या हजरत तुम्हें सुन्नत का वक्त ही देते नहीं ना, वो नौजवान को फोन में पूछा आज फजर की सुन्नत पढ़े क्या, फराजित पढ़ा नहीं हजरत का था। दे तुम बाबा मैं, मुझे क्या है, जुमे का दिन तुम अपने आप के लिए छुट्टी का दिन बना लो, पूरा हफ्ता रहमतों और बरकतों और आफियतों का गुजरेगा। हमें कोई काम जुमे का सिवाय दीन का रखते च नहीं, इसीलिए हफ्ता बरकत, इतवार बरकत, पीर बरकत, मंगल बरकत, चाशुम्मा बरकत, जुमेरात बरकत, ये तो हमें जुमे को छुट्टी का दिन बना लिए। खाने पीने, खुशी, बीवी बच्चे, दोस्त अहबाब, घर तुम्हें भी बना कर देखो। इतवार को जो छुट्टी का दिन बना था उसका जुमा भी बेबरकत हो जाता। हमें जुमे का दिन बीवी बच्चों के साथ एक दिन तो मनाओ। अब डब्बे में बिठा लिए बूढ़े को, छोटा सुराग बना दले ताकि तमाशा देखे हिंदू बोल को, बारात में पूरे जवानत, एक भी बूढ़ा नहीं है। अब पूरे चले गए, अब पहुंचते ही अब बादशाह बोला दूसरी शर्त पूरी करोगे तो आधा काम तो होगा, अब आधा काम बाकी है। क्या आधा काम, पहली शर्त पूरी कर डाले, एक भी बूढ़ा नहीं है। अब दूसरी शर्त यह है कि तुम हमारे महल तक आने के लिए बीच में एक नदी है, नहर, इसमें पानी बहता है, तुम दूध बहाओ, हम अपनी बेटी के साथ निकाह करेंगे। कितनी कठिन शर्त है, दूध बहाना, ये दीवार से लेकर ये दीवार तक अगर उस नहर की पहचान कम से कम चौड़ाई रहे, दूध बहाना सो, पानी बह सका दूध बहना, नोशो परेशान, हत्ती सरगा तुम अटकी का हिस्सा होगा, कैसे वक्त में ला को ये बुड्ढा अटकाया, देखो क्या करना, किधर करना, नोशा मशवरा करना नौजवान से, क्या करना, कहां से भी होता क्या भाई, है पानी की नहर को दूध की नहर बना रहा क्या, जन्नत थी, नामुमकिन, मुहाल, मुश्किल। वो भी कैसी लड़की से मोहब्बत करे, कैसे बाबा के पास अटक्या जा रहे, तेरे मोहल्ले में कितने नहीं, नहीं रे करना तेरे, क्या करना किधर करना। हल्लू डब्बे से दादा पूछे की रे अभी गए नहीं सो, दादा चुपके बैठो, हम ना हमारी पड़ी गो तुम ना बारात की पड़ी। अब
दादा भी डर को खामोश की तो काम ही ज्यादा बोलिया तो मुझे कहा याद रख दल को चल जाती आख वक्त जा रहा रे बारात का वक्त जा रहा रे कि रे दादा क्या कर रहा दादा। दो शर्त बोले, एक शर्त बुढ़े नहीं रहना बोल को, एक एक नौजवान को टेस्ट करे उन्होंने सब जवान। दूसरी शर्त रखता ले दादा, क्या ये जो नहर है ये पार करना ना दादा, इसे दूध से बहाना कहते तभी शादी कहते। उसके वास्ते कह रहे लेट करनी से तुम्हें, तू खड़को बोल तुम्हारे दो शर्त मैं पूरे कर दू, मेरी एक शर्त तुम्हें पूरी करना। क्या दादा? तू डरने को बेटे आज बहू लाना तुम्हें, तू बीवी ला की नको ला, तू बीवी ला की नको ला, मैं बहू लाना जाकर तू खड़को बोल पहले ये पानी पूरा पाक करो, खाली करको दे ये नदी, मैं दूध बहा दू। अब नौशो खड़को बोलिया, ससरे साहब तुम्हें पानी से खाली कर डालो, सुक्की दियो मंजे, मैं दूध से बहा दू। तब बादशाह बोला के कौन की बुड्ढा है ये अंदर कौन की है बुड्ढा, बूढ़ों के बगैर ये मसला हल नहीं होता, किसी के हाथ उठाने पर भी कोई राज होता है। कभी बूढ़ों के किसी बात पर आप शर्मिंदा भी होना नहीं, उनके बात को क्लियर भी करना नहीं। बकिया बातें इंशाल्लाह आपके सामने अर्ज करूंगा। मकसद ये बोलना था कि IPL चल रहा है जिसके बारे में बोलना चाहता था, इंशाल्लाह और भी बोलूंगा। हमारे नौजवान बिट लगा कर पैसा हारते भी हैं जीतते भी हैं, तो पैसा हारते भी हैं और पैसा जीतते भी हैं, दोनों हराम है हराम है हराम है। बहुत परेशानी और मुसीबत के दौर से गुजर रहे हैं, हराम खाकर अपने दुआओं के दरवाज़ों को बंद न करो, हराम खा के अपने दुआओं के दरवाज़ों को बंद न करो। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह ताला हमारी और आपकी हिफाजत फरमा।